डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद के घुड़सवारी मैदान पर दिनांक 15 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 4 दिवसीय 24वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक अश्वारोहण प्रतियोगिता 2022 के अंतिम दिन दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को समापन के अवसर पर शो जंपिंग टॉप स्कोर टेंट पेगिंग शो जंपिंग फॉल्ट एंड आउट शो जंपिंग ओपन सिक्स बार की स्पर्धाएं आयोजित की गयी। शो जंपिंग टॉप स्कोर की स्पर्धा में प्रशिक्षण जोन मुरादाबाद के 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में एमपी वीर सिंह अश्व मोंटिना प्रथम रजनीश कुमार यादव अश्व पोरस पर द्वितीय मुकेश बाबू अश्व गुलाम पर तृतीय एमपी विजय सिंह अश्व दक्ष पर चतुर्थ स्थान पर रहे। शो जंपिंग टॉप स्कोर की स्पर्धा में अन्य जनपदों से आए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। इसके बाद घुड़सवारी मैदान पर शो जंपिंग फॉल्ट एंड आउट की स्पर्धा में प्रशिक्षण जोन मुरादाबाद के 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें एसआई एमपी राजनरेश अश्व अनंत पर प्रथम वीर सिंह अश्व मोंटिना शेरू पर द्वितीय एवं तृतीय एवं मुकेश बाबू अश्व रिमझिम पर चतुर्थ स्थान पर रहे। टेंट पैगिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में कानपुर अलीगढ़ मुरादाबाद बरेली आगरा के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस स्पर्धा में कानपुर के एसआई एमपी दिलशाद अहमद ने अश्व पार्थ पर प्रथम अलीगढ़ के एसआई एमपी अशोक कुमार ने अश्व नेल्सन पर द्वितीय आगरा के एमपी अशोक कुमार ने अश्व ब्लैक ब्यूटी पर तृतीय एवं मुरादाबाद के वीर सिंह ने अश्व प्रबल पर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। अपराह्न में शो जंपिंग ओपन सिक्स बार स्पर्धा आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें मुकेश बाबू ने अश्व रिमझिम पर प्रथम रजनीश कुमार यादव ने अश्व पोरस पर द्वितीय विजय सिंह ने अश्व दक्ष पर तृतीय एवं वीर सिंह ने अश्व मोंटिना पर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। 24वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक अश्वारोहण प्रतियोगिता में प्रशिक्षण जोन मुरादाबाद के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार एसआई एमपी राजनरेश एवं प्रशिक्षण जोन के ही अश्व मोंटिना को सर्वश्रेष्ठ अश्व घोषित किया गया। विजेता घोड़े को झूल डालकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रशिक्षण जोन मुरादाबाद की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर विजेता होने का गौरव प्राप्त कर पांडु कप पर अपना कब्जा बनाए रखा। इस प्रतियोगिता में उपविजेता का गौरव कानपुर जोन को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न जनपदों से आई टीमों द्वारा मुख्य अतिथि को परंपरा अनुसार सलामी देकर उनका अभिवादन किया तथा पीएसी के बैंड ने करतल ध्वनि के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पदक व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में घोड़े के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि घोड़ा आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। पूर्व में घोड़ों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता था, परंतु सवारी के अच्छे साधन होने के कारण घोड़े की उपयोगिता कम नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े मेलों का आयोजन होता है, इन मेलों में भीड़ एकत्रित हो जाती है, भीड़ को नियंत्रित करने में घोड़ों की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है, दंगाग्रस्त क्षेत्रों में भी घोड़ा बहुत उपयोगी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों से आए अनुभवी एवं कुशल घुड़सवारों एवं घोड़ों का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता के अवसर पर देखने को मिला। बहुत ही अनुशासित तरीके से खेल की भावना से खेल खेला गया। इसके लिए सभी प्रतिभागी बधाई के पात्र हैं। जिन्हें पुरस्कार मिला उन्हें बधाई एवं जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला उन्हें शुभकामनाएं कि भविष्य में अच्छा अभ्यास करें और आशावान रहें। प्रतिदिन सुबह व शाम को जिन अधिकारियों ने अतिथि के रूप में आकर घुड़सवारों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्नल सुशील बलवाड़ा, सेवानिवृत्त कर्नल बीएस लाकरा एवं कोर्स डिजाइनर एकलव्य शर्मा, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुख्य निर्णायक के रूप में अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवार टीम का चयन इसी प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवार की टीम आगामी टेकनपुर मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में पूरे उत्साह से भाग ले तथा अच्छा प्रदर्शन करके अधिक से अधिक पदक प्राप्त करे। मुख्य अतिथि ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में मीडिया ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक निदेशक जयनारायण सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक प्रधानाचार्य रवि जोसेफ लोकू, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी अमित चंद्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक पूनम श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका चड्ढा, पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार पांडे, हरेंद्र सिंह यादव, केके चौधरी, भवानी शंकर लौशाली, अंजना शर्मा, विधि संकाय अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक तेज प्रताप सिंह, इंद्रजीत सिंह यादव, मोहम्मद कासिम, एसआई एपी छोटेलाल पाल, प्रमोद शर्मा, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु एवं संस्था के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन पूर्णिमा सिंह एवं नवोदित सिंह द्वारा किया गया। इसलिए मैं हमेशा इसी बात पर जोर देता हूं कि जो जहां जहां घुड़सवार पुलिस है, घोड़ों का अच्छा ध्यान रखा जाए।
बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है ये अश्व। दूर से ही खतरे को भांप लेता है और वैसे तो बड़ा आलसी जानवर है, शायद आप जानते नहीं है कि घोड़ा बहुत आलसी जानवर होता है। वो तभी जब जंप्स देखता है या बल्लम जब वो पेट्स देखता है तो तुरंत दौड़ना चाहता है, अपने जिम्मेदारी को वो बहुत जल्दी ही समाप्त करना चाहता है कि जल्दी से मैं अपने जिम्मेदारी से फारिग हूं और आराम प्रस्त हो जाऊं। परंतु जब अपनी चाल में आता है, जब अपने स्पीड में आता है तो वो हॉर्स पावर, मतलब आज भी जो पावर की जो स्ट्रेंथ है वो हॉर्स पावर के नाम से ली जाती है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल बट येट अ वेरी डेलिकेट एनिमल। और उसका बढ़ावा हमारे प्रदेश पुलिस में और ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उसमें उसको इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि धीरे 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 माउंटेड पुलिस से रुझान, जो विशेष तौर पर जो नए भर्तियां हो रही हैं, वो रुझान थोड़ा सा कम होता चला जाता है। ये अफसोसजनक है। माउंटेड पुलिस बहुत पुरानी एक शान रही हुई है। एक जमाना था कि जो वही आदमी अच्छा रईस माना जाता था जो घोड़े हाथी पालता था, और आप तो आज घोड़े मुफ्त में रखने को मिल रहे हैं जो यहाँ के घुड़सवार हैं या सईस हैं, पर आप शायद उसको पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये वजह है कि मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। आर्मी में अश्वरोहण का एक अच्छा परंपरा रही है, मैं और अन्य प्रदेशों में भी पुलिस में इसकी एक अच्छी परंपरा रही है, अच्छा एक महत्व दिया जाता रहा है।